आपने एथिकल हैकिंग में आपके करियर की शुरुआत कैसे की थी वो बताइए। Take forensic lectures, even trained police. I and Tapan have started the YouTube channel that is Hacker Vloggy. So मैंने academy की site बनाई थी कि Russian hacker या कोई पाकिस्तानी hacker ने page display कर दिया था you are hacked. Hacking नाम सुनके लोगों के बीच में एक गलत फहमी आ जाती है वो क्या है? आज पुलिस के पास भी गन रहती है. Verification fraud कौन-कौन से हैं? Testing team जरूर रखें अपने अंडर में जो आपका रेगुलर क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस पे टेस्टिंग करती रहे. कोई भी चीज आज के टाइम पे 100% सिक्योर नहीं होती है. हमें जब ओप्पो की एप्लीकेशन टेस्ट करने को मिली थी तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि अभी पहले इंडियंस टेस्ट करेंगे एंड देन उसके बाद ये एप्लीकेशन ओप्पो मोबाइल्स की थी, चाइना हेड है उधर का, कि चाइनीज हैकर्स जब टेस्ट करें तो वल्नरेबिलिटी दोबारा से कोई और नई नई निकले. So it was a very challenging for us. Future trend में देखने को इसलिए मिलेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है. AI आया है हमारा काम सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन जिस दिन से AI में भी मिस्टेक्स आने लग गई उसका भी मिसयूज हो जाएगा. एथिकल हैकिंग सीखते कोई फ्रीलांसिंग कर सकता है क्या? मेरा करियर फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट हुआ था. कहते हैं कि दुनिया भर के मिलिट्रीज में तीन विंग्स है. पहला है आर्मी, दूसरा है नेवी, तीसरा एयरफोर्स. बट आने वाले फ्यूचर में इसमें दो और विंग ऐड होने वाला है. पहला है स्पेस विंग और दूसरा है साइबर विंग. अभी ये मिलिट्री के बातें छोड़ दो, बट आपके इंस्टाग्राम, आपके व्हाट्सएप, आपके ईमेल से आपके खुद के प्राइवेसी एंड सेफ्टी को खतरा होने वाला है 2024 का और आने वाले समय का एक सच है कि आपको खतरा होने वाला है. साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको ज्यादा जानना चाहिए. तो मेरी सजेशन यही है कि इस पॉडकास्ट को आप देखो एंड इससे नॉलेज एब्जॉर्ब करो और खुद की रक्षा करो, बट इस पॉडकास्ट से पहले सीखो और मजे भी उठाओ. सो आज का हमारा गेस्ट है रिद्धि जी, जिन्होंने अपना करियर 11th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट किया था. इनको 13 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में एंड एथिकल हैकिंग में. तो बहुत ही अमेजिंग ये पॉडकास्ट होने वाला है. बट ये याद रखिए, आने वाले फ्यूचर में एक साइबर विंग ऐड होगा एंड उससे आपको खतरा होने वाला है. तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा और ये जरूर याद रखिएगा कि भविष्य में आपकी रक्षा आपके दिमाग से होगी. तो इस पोस्टर को जरूर देखिएगा एंड एंजॉय करिएगा एंड सीखिएगा कि आपकी रक्षा आप कैसे कर सकते हो आने वाले समय में. सो वेलकम करियर जोश, मैं प्रणव आपके लिए लाया हूँ एक अमेजिंग चैप्टर साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग. सो एंजॉय योरसेल्फ, चलते पोस्टर की ओर. So, hello Rindhi ji, कैसे हो आप? Yeah, I'm good. How are you? I'm fine. सबसे पहले तो आप आपके बारे में बताइए एंड आपने एथिकल हैकिंग में आपके करियर की शुरुआत कैसे की थी वो बताइए. Yeah, actually, my name is Riddhi Soral, and I have experience of 13 years in IT industry, especially in cyber security. So basically, audit and training मेरा major part रहा है. Along with that, I also provide law consultancies to the corporate companies. With that, I also take forensic lectures and even train police, different department police, military areas, military people for the cyber security. All right. So this is a very short intro of mine. Basically, hacking channel start करने का need तब से पड़ा जब COVID hit हुआ था. Before we were having ASD Academy, जिसमें already हमारे पास students थे and वो students हमारे पास offline पढ़ने आते थे and we are placing them in industries also. And वो hacking and coding का channel था, means hacking and coding का हमारा particularly academy था. But जैसे ही COVID hit हुआ, so you know that everything gets differentiated, right? हर चीज़ अलग अलग हो गई थी और maximum चीज़ें were already shut down.
तो उस टाइम पे वी डिसाइडेड बिकॉज मैनी ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स सेड कि आप हमें यहीं पढ़ा दो सर और मैम. एक्चुअली आई एंड तपन स्टार्टेड द यूट्यूब चैनल दैट इज हैकर व्लॉग. अब तो हमारे और भी चैनल्स हैं इन इंग्लिश ऑल्सो वी हैव साइबर कक्षा वी हैव हैकर व्लॉग लाइव वी हैव. तो अब डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स आ गए लेकिन वी स्टार्टेड विद हैकर व्लॉग और जिसके जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं. सो हैकिंग चैनल स्टार्ट करने का मीडियम यही था कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस वो भी पढ़ें, अपना करियर बनाएं और लाइफ में अच्छा कुछ अचीव करें बिकॉज वी आर सर्विंग विद अ साइबर सिक्योरिटी क्योंकि नेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है. सो वी आर गोइंग विद चैरिटी पार्ट. आपका पहला हैकिंग एक्सपीरियंस क्या था एंड उसने आपके करियर को कैसे आकार दिया? यस मेरा पहला हैकिंग एक्सपीरियंस टू बी वेरी फ्रैंक बिकॉज यहाँ पे जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतना ऑब्वियसली आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा. जो भी मेरे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं उन सबको बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से. सो बेसिकली हैकिंग मेरा करियर तब बना इट्स अबाउट 2010. आई यूज़ टू गो विद डेवलपमेंट. मेरा डेवलपमेंट पार्ट मेजर था पहले साइबर सिक्योरिटी से पहले. आई टर्न इन 2012 और 2013 2011 से मेरा करियर साइबर सिक्योरिटी में ड्रॉ हुआ है. सो बिफोर दैट आई वॉज अ डेवलपर. तो जब मैं साइट्स बनाती थी तो मैंने अकेडमी की साइट बनाई थी एंड उस साइट में किसी रशियन हैकर या कोई पाकिस्तानी हैकर ने पेज डिस्प्ले कर दिया था यू आर हैक्ड. एंड इट वॉज अ पेज जब पेरेंट्स हमसे पूछते थे कि मैम आपकी साइट खुल नहीं रही है और उस पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, कोई अजीब सी इमेज बनी है. बिकॉज दैट टाइम इन राजस्थान हैकिंग वॉज नॉट ऑन क्रेज एंड नो वन वॉज इवन नोइंग दैट हैकिंग वर्ड और साइबर सिक्योरिटी वर्ड. तो हमें भी इतना कुछ नॉलेज नहीं था. तो दैट टाइम दे आस्क्ड मी कि मैम कुछ ऐसा लिखा आ रहा है यू आर हैक्ड यू आर हैक्ड. मैंने कहा ओ शिट कुछ तो गड़बड़ है. अब न्यूज़ तो मैं सुनती ही थी पहले कि कुछ हैक हो गया ये वगैरह. तो उसके बाद से मुझे लगा कि बीइंग अ डेवलपर आपको साइबर सिक्योरिटी की नीड ज़रूर पड़ेगी बिकॉज आप अभी एक ऐसे बिजनेस ग्रोथ पे हो, ऐसी जेनरेशन में हो, ऐसे वर्ल्ड में हो जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वहीं से मेरा करियर ड्रॉ हुआ साइबर सिक्योरिटी में. आप एथिकल हैकिंग को कैसे डिफाइन करते हैं और ये आज के डिजिटल युग में क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑलराइट एथिकल हैकिंग को मैं यही डिफाइन करूंगी कि अगर आप कोई चीज़ अच्छी सीख रहे हो आईटी इंडस्ट्री में, अगर आप सिक्योरिटी पार्ट सीखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज आज आईटी में आप क्लाउड देखो, नेटवर्क देखो, कोडिंग देखो, सर्वर देखो, नेटवर्क देखो, कुछ भी देखो, कोई भी चीज़ आज के टाइम पर ऐसी नहीं है आईटी में स्पेशली इंटरनेट पे जो सेफ हो. राइट तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. और एथिकल हैकिंग का मतलब यह होता है कि आपको बग पता है, आप उसका मिसयूज ना करो, लेकिन किसी की साइट पे अगर आपको कोई बग मिला है तो आप उसको मेल ड्रॉप करो कि आपके ये प्रॉब्लम्स आई हैं तो प्लीज इसको पैच करो. सो दिस इज एथिकल हैकिंग फॉर माई साइड. आप एथिकल हैकिंग में अभी वर्कआउट कर रहे हो बट लोगों के बीच में एक गलत फहमी रहती है, एक जो भी हैकर्स है एक हैकिंग नाम सुन के लोगों के बीच में एक गलत फहमी आ जाती है, वो क्या है? मतलब लोग बोलते हैं Yes, लोगों के मन में ये चीज इसलिए आ जाती है बिकॉज दे नेवर अंडरस्टैंड एंड दे थिंक दैट कि बहुत डेंजरस है. जिसको नॉलेज नहीं है वो ऑब्वियसली यही बोलेगा कि ये बहुत डेंजरस पार्ट है. बट वॉट हैपन एक्चुअली आज पुलिस के पास भी गन रहती है राइट. सो बट दे नो दैट कि मुझे यूजुअली इसको यूज नहीं करना है. लाइक मैं आपको डराने के लिए यूज कर लूँ, आप मेरे से कुछ अब्यूजिंग बोल रहे हो, मैं आपको शूट कर दूँ. सो दिस इज एक्चुअली अ रॉन्ग पार्ट. वहीं पे जो क्रिमिनल है वो बिना सोचे समझे आपने उसको कुछ बोल दिया, अरे तू क्या कर रहा है लाइक दैट. सो देर शूट देर एंड देट सेल्फ देन सेल्फ राइट. उधर ही देर एंड देन वो आपको शूट कर देंगे या हार्म पहुंचा देंगे. सो दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन Sometimes think that कि ethical hacking होती है. It is not hacking. It is hacking से बचाने के लिए भी we take a term ethical hacking. Ethical means in limits or in a proper way. आपको क्या लगता है कि recent year में cyber security कैसे advance हुआ है?
एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी इसलिए बूम पे रहा बिकॉज आज हर चीज डिजिटली हो रही है. ऐसी कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है आज इंटरनेट पे जो कि हमारे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे, ठीक है ना. तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सीखनी भी जरूरी है. बट यस, इसको यूज प्रॉपरली करें हर कोई, वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बिकॉज अगर इसका मिसयूज किया तो इसके क्रिमिनल लॉज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना. तो मिसयूज तो हर चीज का ही डेंजरस होता है. आई मस्ट से आज ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष सिग्निफिकेशन थ्रेट्स कौन कौन से हैं? उनके लिए सिग्निफिकेंस ये है कि आप अपनी साइट की रेगुलर चेकअप कराते चलें, जो आपने लाइब्रेरीज यूज करी है, जो कोड यूज करे हैं आज इंटरनेट पे अवेलेबल है सिक्योर कोडिंग गाइडलाइन से, आप उसके हिसाब से थोड़ा चलें. अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और किसी की यूजर डिटेल अपनी साइट्स पे ले रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक टेस्टिंग टीम जरूर रखें अपने अंडर में, जो आपका रेगुलर क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस पे टेस्टिंग करती रहे, क्योंकि बग्स आते हैं. कोई भी चीज आज के टाइम पे 100% सिक्योर नहीं होती है. तो अगर आपने साइट बनाई है, इट डजंट मींस कि वो 100% सिक्योर है. मे बी इन योर सेंस इट इज 100% सिक्योर, बट विद द आई फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ हैकर इट इज नॉट सिक्योर. वो आपका डेटाबेस हार्म कर सकते हैं, वो आपका नेटवर्क हार्म कर सकते हैं, वो आपका URL हार्म कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, इवन डोमेन तक इशू कर सकते हैं, ठीक है ना. तो इसलिए यही मेरा लाइक एक्सपीरियंस बोलेगा सारे डेवलपर्स को या सारी कंपनीज को कि आपको रेगुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग जरूर कराना चाहिए अपनी साइट की, रेगुलर ऑडिट होनी चाहिए. ओके, मलिशियस हैकर्स द्वारा यूज की जाने वाली सबसे कॉमन टेक्निक्स कौन सी अभी तक आपने जो देखी हुई है आपके लाइफ में? दे ऑलवेज चेक, जैसे कि अगर कोई ई कॉमर्स साइट है तो दे ऑलवेज यूज टू चेक कि आपके जो भी, जैसे लेट्स सपोज अभी दिवाली आ रही है, although it's very far but still we can take an example. Diwali aa rahi hai, to Diwali pe jo offers aaye, they'll make a clone of that application aur wo wahan pe wahi offers ko sell out karte hain. aur hum users, we Indians think ki are offer bahut sasta hai, bahut amazing hai, bahut saste mein ye cheez mil rahi hai, why don't we get it. In ek din ka offer hai, do din ka offer hai. to aapko sabse pehli cheez ye hai ki URL aap check kare, kyunki hackers generally URL mein गड़बड़ी करके साइट बिल्कुल हूबहू बना सकते हैं, लोगो हूबहू लगा सकते हैं, अंदर की डिटेलिंग हूबहू रख सकते हैं, लेकिन URL जो एक स्टिक है वो दूसरा URL से मैच नहीं हो सकता. तो आप पहले URL देखें, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं. साथ ही साथ अपने डेटाबेस को सिक्योर रखें. अगर आप यूजर डिटेल्स रख रहे हैं अपनी साइट पे तो रेगुलर ऑडिट जरूर कराएं. अदरवाइज अगर कभी कंप्लायंस हिट होता है या कभी कोई कस्टमर कंप्लेन करता है तो इसके ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं एक बिजनेस को. कभी आपके लाइफ में सबसे चैलेंजिंग सिक्योरिटी वायलेशन आया है जिसमें आपने मदद की है? यस, काफी सारे ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे जिनके काफी ज्यादा बग्स थे, एंड दे हैव गिवन अस द चैलेंजेस कि हमारी साइट पूरी सिक्योर है एंड यू कांट क्रैक दैट, और उसमें से बग नहीं निकलेगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इन हाउस सिक्योरिटी टीम. एंड वी थिंक दैट यस मे बी ये ऐसा एक्सपीरियंस है, बिकॉज हमें जब ओप्पो की एप्लीकेशन टेस्ट करने को मिली थी आई गेस इन 2022 और मे बी 2020 ड्यूरिंग द कोविड एरा, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि अभी पहले इंडियंस टेस्ट करेंगे एंड देन उसके बाद ये एप्लीकेशन, ऑब्वियसली वो ओप्पो मोबाइल्स की थी, चाइना हेड है उधर का, सो दे सेड दैट कि आपकी एप्लीकेशन, आप मतलब ये हमारी एप्लीकेशन इतने अच्छे ढंग से आप टेस्ट करें कि चाइनीज हैकर्स जब टेस्ट करें तो वल्नरेबिलिटी दोबारा से कोई और नई नई निकले. सो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग फॉर अस कि हमारी टेस्टिंग करी हुई एप्लीकेशन को चाइनीज हैकर्स भी टेस्ट करेंगे, एंड ऑब्वियसली इट कम्स फॉर सम रेप्यूटेशन, राइट. So it's very challenging and it's we have done nicely that project. Hacking, कुछ आप बता सकते हैं hacking के legal application और ethical hackers legal border में कैसे रहते हैं? अगर हम बात करें ethical hacking की,
सो एथिकल हैकिंग बेसिकली हम एथिकल हैकिंग इसलिए यूज करते हैं बिकॉज जिससे कि हम अपने एक तो हम पर्टिकुलरली जब भी कोई भी एथिकल हैकिंग वर्ड सुनेगा तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि इट प्योरली मीन्स सिक्योरिटी, एंड टू एंड सिक्योरिटी. फिर वो भले ही नेटवर्क का हो, वो भले ही सर्वर का हो या किसी भी चीज का हो. इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन को हैकरों से कैसे बचा जा सकता है? अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल के लिए ये है कि आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये रखनी रहेगी कि अगर आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि बैंक भी आपको बताते हैं कि ओटीपी नहीं बताना है, लिंक पे क्लिक नहीं करना है, बिकॉज इंडिविजुअल मींस हर कोई टेक्निकल नहीं होता. देर आर सो मेनी पीपल सिटिंग जो कि नॉन टेक्निकल है, तो उनके लिए यही सजेशन है कि कोई भी अगर अनोनिमस लिंक आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज आ रही है जो फोन कॉल पे बताई जा रही है और जहां पे अमाउंट लग रहा है, या फिर मेरे वो सब्सक्राइबर्स जो जॉब ढूंढ रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, किसी भी आप यूआरएल को सर्च कर रहे हैं जॉब के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, अगर वो आपसे अमाउंट मांग रहे हैं तो एक बार पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन कर लें, बिकॉज कई बार कंपनीज नहीं अपना पोस्ट डालती और कुछ ऐसी मेलिशियस साइट्स हैं जो कि यूजर डिटेल्स लेती हैं और फिर आपको उसके बाद मेंटल टॉर्चर देना शुरू कर देती है, आप यूज करना शुरू कर देती है. ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये है कि अगर आपने कोई भी अपनी चीज बना रखी है, दैट कैन बी सॉफ्टवेयर, दैट कैन बी मोबाइल एप्लीकेशन, दैट कैन बी वेबसाइट, आप उसका रेगुलर टेस्ट कराएं. इधर गोइंग ऑन अ ह्यूज लॉस, इधर गोइंग ऑन अ ह्यूज लॉस फाइनेंशियली और रेप्यूटेशनली, बेटर है कि आप उसका रेगुलर टेस्ट कराएं. So, आपको क्या लगता है कि अभी आने वाले फ्यूचर में आप क्या ट्रेंड देखती हैं साइबर सिक्योरिटी में? देखिए, दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्ट पे है. एक जगह हैकिंग है और एक जगह सुरक्षा है, राइट? एक जगह साइबर सिक्योरिटी है. सो बेसिकली ना कभी हैकिंग रुक सकती है, और ऑब्वियसली विद गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हैकिंग की जब वो हैक कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो व्हाई डोंट वी कल्टिवेटेड, व्हाई डोंट वी मेक इट अ गुड वे, मींस हम इसको मिसयूज होने से बचाएं और इसको अच्छा बनाएं, तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी रही है. तो ये दोनों ही चीजें फ्यूचर ट्रेंड में देखने को इसलिए मिलेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है. AI आया है हमारा काम सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन जिस दिन से AI में भी मिस्टेक्स आने लग गई, उसका भी मिसयूज हो जाएगा. ऑलरेडी मिसयूज हो रहा है, ऑलरेडी मिसयूज हो रहा है AI का. लाइक अभी एक इंस्टा पे एक हीरोइन की एक रील भी आई थी, है ना, फेस मास्क वगैरह. दैट व्हाट आई एम सेइंग, दैट व्हाट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. अभी कुछ टाइम पहले, इट्स अबाउट जनवरी, जब अयोध्या इनॉग्रेशन हुआ था, सो वहां पे अयोध्या इनॉग्रेशन के लिए फंड कलेक्ट हो रहा था कि जिसकी जो श्रद्धा है यू कैन पे अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस एंड स्टैंडर्ड, नो प्रॉब्लम. तो उसका भी एक फेक पेज बनाया गया, उसके भी फोन कॉल्स आने लगे कि आपको अगर अयोध्या में कुछ अपना दान पेटी में डालना है तो आप बता दीजिए, इतना डाल दें, इतना डाल दें तो रामलला के लिए अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, एक अच्छे काम के लिए आप शुरुआत कर रहे हैं, ऑल दैट. सो ये सब चीजें वो है कि क्राइम्स हर चीज से हो रहा है. आप कुछ भी अच्छी चीज लाओगे, वहां पे नेगेटिव लोग बैठे हैं टू सप्लाई इट इन देयर बेनिफिट्स, राइट? तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि टेक्नोलॉजी में अपडेट रहना और उसमें सही गलत का पहचान करना, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, अपडेट्स की नॉलेज होगी. अभी रिसेंट में बोट का केस आया था कि 2-3 million डेटा लीक हो गया. उसका रीजन यही था कि डेटाबेस सिक्योर नहीं था एंड दे हैव ड्रॉन ऑल द इंफॉर्मेशन इन वन शॉट. तो ये सब चीजें अगर आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, दिस मैसेज फॉर माय न्यू जनरेशन, तो डेफिनेटली आप बच सकते हो. अदरवाइज इस टेक्नोलॉजी से बचना और ऐसे लोगों से बचना बहुत मुश्किल है. लगता है कि उभरती टेक्नोलॉजी जैसे AI एंड IoT आ रहा है, तो हैकिंग स्ट्रेटजी को कैसे वो इफेक्टिव करेगी? अफेक्ट कैसे करेगी? एक्चुअली अगर अभी हम देखें तो IoT में IoT हैकिंग भी आ गया है, IoT डिवाइसेस भी हैक हो रहे हैं, राइट? तो आप कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि एक वेलफेयर के लिए यूज हो रही हो. हर जगह किसी ना किसी चीज का मिसयूज हो रहा है, राइट? तो इसके लिए मेरा यहाँ पे भी यही
सजेशन रहेगा कि आप एक तो जितना ये एक्स्ट्रा डिवाइसेस पे अपनी लाइफ डिपेंड करोगे उतना डेंजरस में रहोगे, तो थोड़ा सा इनसे डिस्टेंस रखो. ऐसा हो नहीं सकता कि हम फोन बिना रह लें. आज के टाइम पे फोन बिना कोई भी नहीं रह सकता, नॉट इवन मी, नॉट इवन यू और नॉट इवन एनीवन. तो पर हमें थोड़ी सी सतर्कता रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी अलर्टनेस रखनी पड़ेगी, तो ही हम इन चीजों में अपना बेनिफिट देख सकते हैं. और जैसे आपने बताया कि जो रिसोर्सेज है या जो कोर्सेज है जो अधिक जानकारी रखने वाले हैं, उनके लिए ये है कि आप जितना अपडेट रहते हो, जितने इन न्यूज़ को देखते हो, उतना आपका माइंड ओपन होगा. और जो टेक्निकल है वो तो टेक्निकली डील कर ही सकते हैं. अगर कोई एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो आप उसको क्या सलाह दोगे? अभी हम एथिकल हैकिंग बात कर रहे हैं तो किसी को भी इंटरेस्ट आएगा, है ना? एथिकल हैकिंग नाम सुन के मुझे भी लगेगा मैं भी एथिकल हैकर बनूं, तो किसी को आना होगा, तो आप क्या उसको बताना चाहोगे कि कैसे आना है, एक रोड मैप बताइए. इफ एनीवन हैज इंटरेस्ट इन एथिकल हैकिंग, then definitely ethical hacking means आपका अगर कोई particularly stream है, जैसे suppose if someone wants to learn coding, वो coding में अच्छा है, तो वो coding के thought से cyber security को सीख सकता है, ethical hacking को सीख सकता है. Okay. अगर किसी को interest है network में, तो वो network security पे जा सकता है. सो बेसिकली स्ट्रेटजीज ये रह सकती है कि आपका जो भी इंटरेस्ट है, आप एथिकल हैकिंग सीख रहे हो, तो एथिकल हैकिंग इज बेसिकली अ सिक्योरिटी ऑन ऑल द थिंग्स. ठीक है ना, सिक्योरिटी सबसे ऊपर होती है. आप कोडिंग कर रहे हो, आप नेटवर्क कर रहे हो, आप IoT कर रहे हो, आप कोई भी डिवाइस बना रहे हो, आप API यूज कर रहे हो, आप कुछ भी बिल्डिंग ब्लॉक कर रहे हो IT में, तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी वाली चीज रहती है. ठीक है ना, तो इसीलिए अगर आप अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पहले तो अप टू डेट रहना पड़ेगा, और आपको कोडिंग की नॉलेज, नेटवर्क की नॉलेज, सर्वर की नॉलेज, डेटाबेस की नॉलेज, इन सब चीजों की नॉलेज रखनी पड़ेगी, तभी आप एथिकल हैकिंग को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो. सो दिस इज माय एक्चुअल एडवाइस फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स. तो आपने एक रोड मैप भी बता दिया, ये भी बता दीजिए कि थोड़ा रिसोर्स वगैरह कहाँ पे मिलेगा. आपने बोला अपडेट रहना भी पड़ता है, तो कहाँ पे रिसोर्स मिलेगा एंड कौन सा कोर्स करके हम एथिकल हैकिंग में आ सकते हैं? मैं बताना चाहूंगा हमारे यूजर को कि जो मैम बैठी ऑलरेडी उनका इंस्टीट्यूट है, तो मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह डाल दूंगा इनकी टीम का, आप डायरेक्टली इनके साथ कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो. सो थोड़ा रिसोर्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दीजिए. रिसोर्स के लिए ऑब्वियसली हमारा चैनल है हैकर ब्लॉग, हैकर ब्लॉग लाइव, साइबर कक्षा एंड हैकर ब्लॉग इंग्लिश. तो ये जो हमारे चैनल्स हैं, इस पे तपन और मैं पढ़ाते हैं, और इसमें हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाते हैं. साथ ही साथ हमारे पेड कोर्सेज भी होते हैं, 1 year, 3 months, 6 months इस तरीके के. तो अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, इंटर्नशिप चाहिए, कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप चाहिए, प्लेसमेंट्स चाहिए, तो हमारे पास पेड कोर्सेज अवेलेबल है, वो आपको इन नीचे दिए गए नंबर्स पे मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. दूसरी चीज अगर आपको दूसरे रिसोर्सेज भी चाहिए, तो देर आर सो मैनी साइट, हैकर न्यूज है फॉर अपडेटिंग आवरसेल्व्स. अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो हैकर न्यूज देख सकते हैं. साथ ही साथ आप लिंक्डइन पे कंपनीज से जुड़े रहे, क्योंकि आज कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है वो जानना बहुत जरूरी है. ठीक है ना, और उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करते जाए, पढ़ते जाए. तीसरी चीज, अगर YouTube पे देखना है तो ऑब्वियसली हमारे ब्लॉग को आप देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू देखें, क्योंकि काफी सारी सीरीज हमने ऐसी बना रखी है जो जीरो से एडवांस तक जा रही है. दूसरी चीज ये है कि अगर आप कोई PDF देखना चाहते हैं, तो काफी सारे अवेलेबल है, इसी काउंसिल का, OWASP का, GitHub पे बुक्स अवेलेबल है, आप उनको डाउनलोड करके उनसे रीड कर सकते हैं. तो वो एक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फॉर अपग्रेडिंग योरसेल्फ. एथिकल हैकिंग सीखते कोई फ्रीलांसिंग कर सकता है क्या? मेरा करियर फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट हुआ था. Actually, I'll tell you one thing to you also and to all the subscribers who are looking into it. Freelancer सबसे अच्छा रहता है. Why? क्योंकि आप एक
साथ मल्टीपल कंपनीज को स्विच कर सकते हो, मल्टीपल कंपनीज में वर्क कर सकते हो, राइट? और ऐसे आप एक ही कंपनी में वर्क कर सकते हो, तो फ्रीलांसर अच्छा है, बट एवरीवन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव, एवरीवन हैज देयर ओन चॉइसेस, चॉइस ऑफ इंटरेस्ट. तो किसी भी चॉइस को मैं मना नहीं करूंगी, बट ये फ्रीलांसर से आप अपना करियर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से. बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है, बग क्राउड है, बग बाउंटी ओपन सोर्स है, आप उधर से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग के लिए जॉब उठाए. तो फ्रीलांसिंग में ज्यादातर बग बाउंटी का काम होता है. लाइक ये बग होता क्या है, राइट? एक्चुअली बग को हम बोलेंगे कमी, राइट? साइड में कोई भी कमी. आज हम बोलेंगे जैसे सपोज अभी एकदम वेदर चेंज होगा, तो वी ह्यूमंस इफ वी हैव एनी, अगर ट्रैवलिंग है या प्रॉपर फूड नहीं खा पा रहे हैं या प्रॉपर बॉडी रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो डेफिनेटली कभी हेडेक हो गया, कभी डिहाइड्रेशन हो गया, कभी कुछ भी हो जाता है. सो दिस इज इम्बैलेंस या इम्प्रॉपर ऑफ आवर स्ट्रक्चर. कोई किस्सा होगा आपके साथ साइबर सिक्योरिटी में हुआ हुआ, तो आप अगर वो शेयर कर दे हमारे यूजर को. कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे पास दो तीन एक साथ बड़े बड़े क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट आए, तो पूरी टीम 24 आवर्स इवन 48 आवर्स भी बैठ के काम करती है. अभी तक आपकी टीम कितनी? टीम 35 मेंबर्स हैं, 35 पेनिट्रेशन टेस्टर्स वी हैव, और दूसरे लोग अलग हैं. अमेजिंग. आपने खुद से स्टार्ट किया, अभी जो अभी है तो खुद से स्टार्ट किया है? खुद से स्टार्ट किया है, कंपनी एएसडी साइबर सिक्योरिटी खुद से स्टार्ट करी है. तो आपकी शुरुआत कहां से हुई थी एंड किस साल हुई थी? एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2011. 2011 से साइबर सिक्योरिटी चल रहा है. लेकिन स्पीड में ऑब्वियसली जब खुद से स्टार्ट हुआ तो डोर टू डोर जाना एंड सबको बताना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, फॉर मी एंड फॉर तपन, कि हम लोगों को बताएं कि एथिकल हैकिंग क्या होता है, किस तरीके से उसमें वर्क होता है. बिकॉज 2011 में नो वन वर लाइक जो अवेयर हो, दे सेड दैट ओके हैकिंग है, नहीं नहीं इससे बच्चे को दूर रखना चाहिए. सो फिर धीरे धीरे इस चीज की लोगों में समझ में आई, वी हैव क्रिएटेड सम अवेयरनेस ऑल्सो, बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस लिए, फ्री सेशंस भी थे, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी चेंज हुए, तो काफी सारी चीजें हुई ऐसी. तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने भी सुना है कि हैकिंग में एक करियर बनाने की कोई शुरुआत नहीं होती, एक एज डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ. देयर इज नो एज, किसी भी नॉलेज से, किसी भी एज से आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड जस्ट आपका पैशन चाहिए और आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए. मतलब आपको देख के तो क्लियर हो गया अभी तक. रिद्धि जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. जाते जाते कुछ सलाह देना चाहोगे हमारे यूजर को? यस, एक्चुअली जब भी काम करो पैशनेट होके करो एंड कंसिस्टेंसी से करो, रिजल्ट आए या ना आए आप उसका प्रमोट जरूर करो. प्रमोट एज इन आप अपने अगर सोशल मीडिया यूज करते हो तो इधर उधर के पिक्चर्स डालने से अच्छा है कि आप अपने काम को शो करो सोशल मीडिया पे. कई बार ऐसा होगा कि लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लाइक्स भी नहीं आएंगे, व्यूज भी नहीं आएंगे, लेकिन लोगों की नजर में आओगे, एंड जब लोगों की नजर में आओगे तो वहीं से कहीं से आपके नेटवर्क्स भी बनते जाएंगे, और जब नेटवर्क बनते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ निश्चित है. मैंने डार्क वेब के बारे में, रेड रूम के बारे में बहुत सुना है, डार्क वेब वगैरह, सो ये बता सकते हैं आप क्या होता है? लाइक एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ अ डेटाबेस. मेरे हिसाब से डार्क वेब जहाँ पे काफी ऐसी एप्लीकेशंस अवेलेबल है, काफी सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस और डेटा अवेलेबल है जो कि हैकर मिसयूज करके वहाँ पे डाल देता है एंड फिर उसको यूज कर लेता है. राइट. एंड ये रेड रूम क्या होता है? एक्चुअली रेड रूम इज समथिंग, ये भी हमारे हैकिंग से जुड़ा हुआ ही वर्ड होता है, एथिकल हैकिंग से जुड़ा हुआ वर्ड होता है. इट्स अ काइंड ऑफ जहाँ पे आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ड्रॉ करनी होती है जो कि पता नहीं होती है. मतलब जैसे कई बार मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता देती हूँ, जैसे हमारे पास ऐसी टेस्टिंग्स भी आती है जिसमें हमें सिर्फ URL मिलता है और कुछ उसकी डिटेल्स नहीं मिलती, आपको खुद ही को क्रैक करना है, आपको खुद ही को फाइंड आउट करना है, तो ये भी एक तरीके से चैलेंजिंग पार्ट होता है. तो उसी तरीके से रेड रूम होते हैं जहाँ पे आपको चैलेंजिंग मिलती है और आपको करना है. Okay. अभी जो AI आ रहा है तो AI से हैकिंग हो सकती है क्या? होएगी, नहीं हो सकती है तो होएगी आगे.
क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है. लाइक अभी हमारे पास आईओटी है, तो आईओटी डिवाइसेस भी हैक हो रहे हैं, आईओटी डिवाइसेस से भी मिसयूज हो रहा है, एआई से भी मिसयूज हो रहा है, फेक कॉल्स आ रहे हैं, आपकी आवाज में मैं बात कर सकती हूँ, राइट? आपके फैमिली के नंबर्स निकाल के आपकी आवाज में मैं बात करूंगी, तो वो 10 बार मुझे पैसा भी देंगे और 10 बार मेरे बुलाने पे कॉल, मतलब मेरे कॉल करने पे उठाएंगे भी. सही. तो दिस इज व्हाट, दिस इज मिसयूज ओनली. हम अभी कंटिन्यू सफर करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, क्यूआर कोड लगे होते हैं कि क्यूआर कोड पे हमें पैसे ट्रांसफर वगैरह करने पड़ते हैं, तो क्यूआर कोड में कुछ कोड वगैरह बैक एंड में यूज करके हैक हो सकता है हमारा मोबाइल, लाइक पेमेंट भी हो जाए एंड हमारी इंफॉर्मेशन भी पर्सनल चली जाए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो अभी तक मुझे कहीं सुनने को नहीं आया, बिकॉज वी आर ऑल्सो रनिंग द साइबर क्राइम एंड साइबर केसेस हमारे पास आते हैं, बट ऐसा कुछ केस मेरे पास अभी तक सुनने में नहीं आया है. लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकता है फ्यूचर में. So, मतलब आने वाले इसमें हैकिंग बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है. आने वाले टाइम पे हैकिंग बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है, तो उसके लिए यही है कि आप मतलब अच्छे ढंग से अपडेट रखें अपने आप को और सामने वाले से सिक्योर रखें, और वो सिक्योर आप तभी रख सकते हैं आपको जब आपको इस चीज की नॉलेज हो. सो रिद्धि जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. या सेम हियर, थैंक यू सो मच. अगर गाइस आपको कुछ कमेंट्स वगैरह है तो हम डायरेक्टली रिद्धि जी से आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर कोर्स वगैरह करना है तो. एंड इंश्योर कि इनका नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? मैं इनकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनके कोर्सेज वगैरह, ओके? सो आप डिस्क्रिप्शन चेक करके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर हैकिंग में इंटरेस्ट है.